हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्या आपने ऐसा नज़ारा देखा है कि धूप भी बहुत तेज़ी से निकली है? देखिए, ऊपर मैं आपको सन दिखा रही हूँ, सूरज, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने ऐसा नज़ारा देखा और मैंने सोचा चलो आप लोग को भी जल्दी से ऐसा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखा देती हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में केवल मैं टोस्ट को ब्रेड को टोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज पीहू का मन है कुछ ऐसा खाने का। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी जैसा कि आपने देखा, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज सिर्फ ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पीहू ने बोला है आज उसको टोस्ट खाने का मन है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से टोस्ट बनाया है और मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से पीहू को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो मैं अभी स्कूल छोड़ के पीहू को आ गई हूँ और अब मैं ये थोड़ा सा सामान लेकर के आई हूँ। आज मुझे पतंजलि वाला दूध नहीं मिला, तो मैं ये वरना यहाँ पे मिलता है, मैं इसलिए एक पैकेट लेकर के आई हूँ आधा किलो का, क्योंकि वरना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग रामदेव वाला ही यूज़ करते हैं। तो बस मैं इसको छान करके रख रही हूँ उबलने के लिए, और दूध उबल जाएगा। फिर मैंने साग खीरे भी जगह पर रख दिए हैं, ब्रेड का पैकेट भी फ्रिज में डाल दिया है। इस तरह से मैं सारा सामान अपने फ्रिज में डाल दूँगी, जो जो जहाँ पर रखना है। वेलकम बैक। और अभी बस टाइम हो रहा है 10:45 का, और अब मैं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, मतलब थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा बिजी हो जाता है। अभी मैं दौड़ते दौड़ते, जैसा कि आपने देखा, मैं गई पीहू को छोड़ करके आई, फिर मैंने घर आ करके जो थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं, रास्ते से जो जो सामान लाना था वो लेकर के आई हूँ, और फिर उसको मैंने दूध उबाला रखा है। तो यही सब है, और अब मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए मेरे को जल्दी से भी आप लोगों से बातें करके फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो यही है, और कल है जन्माष्टमी, तो कल जन्माष्टमी की तैयारी आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल तो पीहू के स्कूल में उसको राधा बन के जाना है, तो मैं उसको कल राधा का गेटअप दूँगी, तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, आप लोग देखिएगा। और पीहू के स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं सबको राधा बन के जाना है, और लड़कों को कन्हैया यानी कि कृष्ण भगवान बन के जाना है। तो मैं उसको ज़रूर पीहू को राधा बनाऊंगी, सुंदर सा। अच्छा लगता है बच्चों को सुंदर सुंदर गेटअप में, मतलब तैयार करो, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करते रहो, जिससे बच्चों को भी आइडिया रहता है कौन सा फेस्टिवल है, क्या है, इससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो आजकल के स्कूलों में ये सब जो होता है बहुत अच्छा है। और आप लोग के बच्चे हैं, अगर बेटी हैं तो उनको आप लोग भी राधा बना रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। और बस यही है, और अब मैं थोड़ी देर आप लोग के कमेंट्स को रीड करूँगी। और कल वाला वीडियो आप लोग ने देखा कि नहीं देखा, मुंबई की बारिश वाला? यहाँ तो बहुत बारिश फिर से आ गई है, अभी भी बारिश, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो यही है, चलिए ठीक है, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तब तक मैं थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर खाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल फ्राई। तो तुअर दाल को मैं फ्राई करने के लिए यहाँ पे छौंक बना रही हूँ और ये मेरी दाल फ्राई हो गई है। मैंने साथ ही साथ दूसरे कुकर में चावल भी रख दिया है जिससे कि मेरा चावल भी पक जाएगा। और थोड़े से कल के चने रखे हुए थे जो कि मैंने भिगो के रखा था, तो मैंने उसको तवे पर थोड़ा सा फ्राई कर दिया है जीरा नमक मिर्च डाल करके, तो बस वो हो गया है। तो आज हम लोग का डिनर यही है, सॉरी लंच यही है। और मैंने यहाँ पे सैलेड काट लिया है, चटनी भी पीस ली है। तो चलिए फिर जल्दी से फटाफट लंच करते हैं और फिर मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी पीहू सो चुकी है और जैसा कि आपने देखा था मेरे फेस पे पिंपल हो रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ चलो मुल्तानी मिट्टी और सैंडल पाउडर यानी कि चंदन पाउडर को मिक्स करके एक अच्छा सा फेस पैक बना करके लगाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो मैं इसमें गुलाब जल मिला दूँगी और मिक्स करके अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। अब मैं थोड़ी देर इसको रखूंगी जिससे कि मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सूख मतलब फूल जाएगी। तो बस मैं इसको रख करके फिर उसके बाद अपने फेस पे लगाऊंगी। तो मुल्तानी मिट्टी मेरे फेस पे लग गई है और ये सूख चुकी है। अब मैं फेस वॉश कर लूँगी। तो अभी शाम हो चुकी है और बस अभी देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप भी निकली हुई है, बारिश सुबह हो चुकी है। तो अभी काफ़ी देर हो गई है बारिश नहीं हुई है, बट मौसम ठंडा है। यहाँ पे बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो बस मैं अपने बालों को कोम करके बांध रही हूँ और मेरे बाल अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हेयर कट कराए। तो मैं सोच रही हूँ हेयर कट कराने के लिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सा हेयर कट लूँ। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि मैं कौन सा हेयर कट ले लूँ। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से पूछ रही हूँ आप लोगों से, और ये देखिए मेरा यहाँ सिंदूर फैल गया। मैंने वो फेस पैक लगाया था मुल्तानी मिट्टी, तो बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे मेरे फेस पे, तो मैंने सोचा चलो मुल्तानी मिट्टी और चंदन मिला करके लगा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा फेस पैक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं अपने चैनल पर इस तरह के, अगर आपके फेस पर पिम्पल विम्पल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी मुझे इसे क्लीन करना होगा। और जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने पीहू को डांस भी सिखाया है, तो मैंने आज राधा के साथ, अपनी बेटी राधा के साथ बहुत सारे ठुमके लगाए,
बस अभी टाइम हो रहा है शाम का 6 o'clock, और हम लोगों ने चाय वाय सब पी ली है, और बस अब मैं जाऊंगी नीचे थोड़ा वॉक के लिए, पीहू को घुमाने के लिए। और जैसा कि कल वो है जन्माष्टमी, तो मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ कपड़े भी लेके आने हैं, थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो वो सब लेकर के आऊँगी। तो बस ये व्लॉग अब मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको कल अपने एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।